Hi guys, wish you a very very good morning. This is Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पर मॉर्निंग में यहाँ मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं द हिंदू के एडिटोरियल को एनालिसिस करने के लिए या वो सारी न्यूज़ को डिस्कस करने के लिए जो किसी ना किसी वे में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, तो आज के द हिंदू का जो फर्स्ट न्यूज़ है, पहले तो उसे डिस्कस करते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है. पीएम जो है वो सीएम्स के साथ में मिलकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारे डिसीजंस लिया करते हैं जब से लॉकडाउन हुआ है ना. तो उसी के दौरान जो है अभी कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए मोदी जी द्वारा, कई सारे हमारे पीएम ने डिसीजंस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर लिए. इस बार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ये डिसीजंस लिए गए कि भाई पहले तो उन्होंने संबोधित किया कि हमने जो भी अभी तक कार्य किया है लॉकडाउन के बाद वो बिल्कुल अप्रिशिएबल है. हमने बहुत अच्छी तरीके से इस COVID-19 को हैंडल किया और इस तरीके से हमने अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया कि हमने हज़ारों लोगों की जान बचा दी है ना. और उन हज़ारों लोगों की जान बचाने के लिए हमें जिस स्ट्रैटेजी को पॉलिसी को फॉलो करना पड़ा वो एक बिल्कुल जंग की तरह था और बिल्कुल हमने उस जंग को जीता. लेकिन अब हम फिर से एक ऐसी कगार पर आने लगे हैं, डे बाय डे 1700, 1200, 1500, 1000, 2000, 4000, 2000, I think highest rate 2000 or something. तो इतने केसेस डे बाय डे आज निकल कर अभी आज की डेट में आ रहे हैं बाहर, है ना. तो इस संदर्भ में मोदी जी ने अपनी व्यूज़ रखते हुए, अपनी एक चिंता जताते हुए ये बात कही कि लॉकडाउन को लेकर क्या सीन होना चाहिए. उन्होंने कहा कि भई अगर हम इससे बाहर निकल तो जाते हैं लेकिन अभी हम खतरे से बाहर नहीं आए हैं, खतरा अभी टला नहीं है, है ना. तो देखते हैं इस पर क्या डिसीज़न रहता है मोदी जी का. हमें नहीं पता कि हमने क्या डिसीज़न रहेगा लॉकडाउन से रिलेटेड, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि हम वास्तविकता से अपने आप को मुखर नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं हम वास्तविकता से अपना मुंह मोड़ नहीं सकते कि ये कंडीशन है देश की, कि हमने बहुत अच्छे से सरकार ने कार्य करके, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने हमें बचाने की कोशिश की और बिल्कुल COVID-19 से हमें बचाया भी. और COVID-19 जैसी महामारी को, जिससे चाइना जैसे देश में एक महीने में तो बहुत तबाही मच गई थी और कई सारे देशों में तबाही मचा कर रख दी थी, वहीं पे भारत के अंदर ये बहुत कंट्रोल्ड पोजीशन में चल रहा है ना. अब धीरे धीरे कुछ सर्कमस्टेंसेस या कुछ एरियाज की वजह से, कुछ लोगों की वजह से कंटिन्यूसली स्प्रेड होता चला जा रहा है, हमारी लापरवाही की वजह से दिन ब दिन ये बढ़ता चला जा रहा है. तो उसके लिए सरकार बिल्कुल चिंतनीय है, सरकार इस बात को लेकर चिंता में है कि कैसे इन परिस्थितियों को वापस अनुकूल बनाया जाए. ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाती है. आपको पता होगा कि अभी हमने कुछ किट्स लिए थे चाइना से COVID-19 को जो है जांचने के लिए, उनकी जांच के लिए. तब हमें पता चला जोधपुर जो कि राज्य, हम कह सकते हैं राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा हमें सुनने में आया, पता चला कि यहाँ जो किट्स यूज़ लिए जा रहे हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो सही चीज़ें नहीं बता रहे हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बता रहे हैं. सो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दीज किट्स. इसी पर ICMR ने ये कहा कि हम चाइनीज़ किट्स को, ये जो चाइनीज़ टेस्ट किट्स सप्लाई हुए हैं इनको एक पैसा भी नहीं देंगे, इन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर कैसे कार्य करती है सरकार, कैसे हैंडल करती है सिचुएशन को, ये सारी चीज़ें आगे जो है देखने को है. ठीक है, अब ये भी बता देती हूँ आपको कि गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी राशन पानी उपलब्ध करवाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है. उसी प्रयास के दौर में और भी एसेंशियल गुड्स को है मूव अप करवाने के लिए सरकार बहुत सारे निर्देशों का पालन करते हुए या आदेशों को देते हुए अभी हाल ही में सरकार ने काफ़ी सारा स्टॉक आउट किया है, जिससे कि मार्केट तक, अच्छा आपको पता होना चाहिए काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत मार्केट्स ओपन हैं किसके लिए, एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए. तो अब उन एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर एसेंशियल गुड्स जो है वो मार्केट में लाए जा रहे हैं सरकार द्वारा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी यहाँ पे पढ़ ली है. इसके बाद में हम चलते हैं, इसके बाद जो भी देखिए जो न्यूज़ आप देख रहे हैं डेली बेसिस पे,
यहाँ जो न्यूज़ जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम आप सारी न्यूज़ नहीं डिस्कस कर रही हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्ट ऑफ़ द केसेस, मोस्ट ऑफ़ द न्यूज़ जो होती है वो एक ही डेटा या एक ही टॉपिक को कवर करती है। लाइक मैं अब तो आपसे ये कहूँगी कि दिल्ली में इतने केस बढ़ गए, हरियाणा में इतने बढ़ गए, राजस्थान में इतने बढ़ गए, यूपी में इतने बढ़ गए, एमपी में इतने, तो आप यू विल बी बोर्ड बाय दिस, क्योंकि ये डेटा तो हमें जस्ट वन क्लिक के ऊपर फिगर आउट हो रहे हैं, है ना। अगर हम एक क्लिक कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई है कि वो ऑलरेडी शो होते हैं डेटा हमें। हम कोई भी जो है वेबसाइट खोलेंगे या गूगल ओपन करेंगे तो हमें डेटा शो होते हैं, है ना। तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अदर देन दिस, जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट बन जाती है एग्ज़ाम के लिए, जो इम्पॉर्टेंट होती है, वो सारी न्यूज़ मैं आपसे यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडिटोरियल सेक्शन की। एडिटोरियल सेक्शन में पहली न्यूज़ है वर्चुअल येट ओपन। आपको पता होगा कि जुडिशियल प्रोसेस भी अभी कंटिन्यू है ना। ऐसा नहीं है कि जुडिशियल प्रोसेस रुक गया है, तो ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही है। जुडिशियल प्रोसेस कंटिन्यू है। कैसे कंटिन्यू है? वर्चुअलिटी पर बेस्ड है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या हम कह सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए ये जो कोर्ट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जुडिशियल प्रोसेस कंटिन्यू है ना। सो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ये बताया है कि भाई न्यू जो है नॉर्मल होते होते, देखिए ये चीज़ फैक्ट है कि हमें नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा। हम नहीं जानते, या ये भी बिल्कुल संभावना है कि हम नॉर्मल सी जो है वो आते आते ये जो नॉर्मल सी की परिभाषा बदल जाए, परिस्थितियों की परिभाषा बदल जाए। हम जो कह रहे हैं पहले की परिस्थिति में आने में वक्त लगेगा, तो हो सकता है पहले की परिस्थितियाँ कभी आए ही ना और हमें इस वायरस के बीच ही जीवन व्यापन करना पड़े, इस तरह की। हालांकि ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसी कंडीशंस हो सकती है, क्योंकि इस वायरस के ख़त्म होने की कोई ऐसी घटनाएं देखी नहीं गई है ना। तो ये इसके अंदर बताया गया है कि भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है S.A. बोबडे एम्फेसाइजेस दैट वर्चुअल कोर्ट्स आर ओपन। वर्चुअल कोर्ट्स ओपन हैं, और इन कोर्ट्स से जो है वर्चुअल कोर्ट्स जो है वो कोई ओपन कोर्ट से डिफरेंट नहीं होते हैं। जिन कोर्ट्स में हम जाते हैं, हम जो डिसीजंस लेते हैं, उससे बिल्कुल किसी भी हद तक ये वर्चुअल कोर्ट्स अलग नहीं हैं। बस जो प्रेजेंस का फ़र्क जो पड़ रहा है वहाँ पे, वो यही इतना ही है कि भाई वहाँ पे आप प्रेजेंट हो जाते हैं फिजिकली, और यहाँ पे नहीं प्रेजेंट हो पा रहे। अदर देन दिस कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती कि ये अलग है। थ्री बेंच जो है, थ्री जजेस की बेंच बैठाई गई SCGI द्वारा इन एन ऑर्डर अर्लियर दिस मंथ, इस महीने से पहले, और ये डिसाइड किया गया कि कोर्ट्स कंटिन्यू चलेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चलेंगे, है ना। तो अब दो केसेस यहाँ पे, दो चीज़ें देखने को मिलती है, दो एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं कि भई ये कोर्ट्स चल रहे हैं तो वाइटल नेसेसिटी जो है वो हमारी कोर्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं अभी भी लॉकडाउन के दौरान भी, है ना। लेकिन ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो कि अभी भी जिनको डिनाई किया गया है, जो डिनाई करता है हर किसी को। एंड सेकंड, द नीड टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग। ऐसा कहा गया है कि हमें फिर से ऐसी सजेशंस दिए जा रहे हैं कि हमें फिर से जो है वापस से फिजिकल जो बेसिस पर जो कोर्स चलते हैं उन्हें कोर्स को स्टार्ट कर देना चाहिए, और उसके अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए कोर्स कंटिन्यू करने चाहिए, क्योंकि ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं जिन्हें डिस्कस करना ज़रूरी होता है। सो द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज़ रिटर्न टू द CJI एंड द अदर कोर्ट्स दैट ओपन कोर्ट हियरिंग शुड बी रिस्टोर्ड एट द अर्लीस्ट सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू द लॉकडाउन एंडिंग। अब ये बात जो है CJI द्वारा कही गई है, कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा CJI को कही गई है और जजेस को कही गई है कि देखिए जितना जल्दी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि वापस कोर्ट्स को रीस्टोर करें, लेकिन अभी एट प्रेजेंट लॉकडाउन से पहले तो ये बात कही नहीं जा सकती। लॉकडाउन के एंड तक इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सजेशंस या कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी बात इम्पॉर्टेंट आ जाती है यहाँ पे कि इस परिस्थिति में आते हुए भी, रहते हुए भी ये जो काम किया जा रहा है ऑनलाइन, ये किसी भी हद तक गलत नहीं है ना। तो ये, लेकिन ये ज़रूर रिक्वेस्ट की गई है SCBA द्वारा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो यूज़ है
वो इस ड्यूरेशन में, ये जो क्राइसिस हम झेल रहे हैं इस समय, थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है, और बहुत कोई नॉर्मल सी नहीं आनी चाहिए इसके अंदर. एंड गो ऑन टू द रिप्लेस ओपन कोर्ट हियरिंग्स. अब देखिए, ये रिप्लेस करने जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो रिप्लेस कर रही है हर मामले में, कई सारे मुद्दों के अंदर रिप्लेस कर रही है ओपन कोर्ट्स को. तो इसको, ये जो मुद्दा है, ये जो चीज़ है, इसको न्यू नॉर्मल सी कही जा सकती है कि हमें इसे वापस नॉर्मल वे में लेकर आना होगा, है ना. तो ये एक रिक्वेस्ट की गई है SCBA द्वारा कि द प्रोसीडिंग्स हेल्ड वर्चुअली मे ऑल्सो बी स्ट्रीम्ड लाइव सो दैट एक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू द लोअर्स लॉयर्स कंसर्न बट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द लिटिगेंट्स एंड द पब्लिक. उन्होंने ये भी कही गई है बात उनके द्वारा कि आप जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो कोर्ट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लगा रहे हैं, उन कोर्ट्स को क्या करना हो, जो करना चाहिए आपको, लाइव करना चाहिए, उनको लाइव स्ट्रीम करना चाहिए. ऐसा किस लिए होना चाहिए, जिससे कि लॉयर्स का कंसर्न लिमिटेड ना हो, उसके साथ ही जो लोग हैं वो किसी भी मुद्दे से अनभिज्ञ ना रहें, ठीक है. तो इस तरह की, और बिल्कुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए बिल्कुल इजीली अपना अग्री भी कर दिया है इस मामले में खुद को, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है. इसलिए हम ये कह सकते हैं, इन द हायर कोर्ट्स अ सिस्टम बेस्ड ऑन एडवांस सबमिशन ऑफ रिटर्न ब्रीफ्स एंड अलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट्स ऑफ ऑरल आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पुट इन प्लेस. ऐसा भी हो सकता है. और बिल्कुल ये चीज़ जो चल रही है ये गलत नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सारी फॉलो की जा रही है. हाँ, कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए जिसके तहत, क्योंकि अभी हमने जूम ऐप और इन सब को लेकर बहुत सारे मुद्दे सुने कि हैकिंग हो रही है, इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है. तो इस तरह के मुद्दों से बचते हुए अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ये जो ऑनलाइन जो वर्क चल रहा है इसको भी कंटिन्यू किया जाए तो गलत नहीं है ना. हाँ, बस ये है कि रिटन ब्रीफ्स जो है उसकी वो, और जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ओरल आर्ग्यूमेंट्स जो आप फेस टू फेस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक अलग जजमेंट में आ जाती हैं, वो जजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं. लेकिन उसकी जगह अगर ये सारी चीज़ें भी चल रही है, तो टेक्निकली या कनेक्टिविटी बेसिस पर देखा जाए तो ये इस प्रोसेस को अफेक्ट करती है ना. वन मस्ट रिकॉग्नाइज दैट वर्चुअल हियरिंग आर नो डिफरेंट फ्रॉम, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि वर्चुअल हियरिंग किसी भी तरीके से फिजिकल हियरिंग से अलग या ओपन कोर्ट कन्वर्जेशन से अलग नहीं है, और ये आपको कोई लिमिट प्रोवाइड नहीं करवाती. हम कहते हैं कि लिमिटेशंस होती है इसकी, ये होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लिमिटेशंस प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है. द अपॉर्चुनिटी नाउ इट इम्प्रूव दी जुडिशियल प्रोसेस मस्ट बी यूटिलाइज वेल. अब जो अपॉर्चुनिटी मिली है जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, या हम ये कह सकते हैं ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें इसको यूज़ करते हुए प्रॉपर वे में लेकर जाना चाहिए, ठीक है. ऐसा आज के इस आर्टिकल में बताया गया है. नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कास्टिंग आउट स्टिग्मा. देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम सब एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसके अंदर हम एक वायरस से जूझ रहे हैं, है ना. तो कुछ प्लेसेस को लेकर बात करेंगे हम, कुछ जगहों पे बहुत, अभी एक कल न्यूज़ में, संडे को न्यूज़ में रहा है कि कोई पर्सन है जो कि बॉटल्स और बिस्किट के पैकेट्स लोगों की तरफ फेंक रहा है, क्वारंटाइन फैसिलिटी दे रहे हैं आगरा के अंदर, है ना, यूपी के अंदर. तो ये काफ़ी जो है इसके अंदर जो इंडिया जो कि COVID-19 से गुजर रहा है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें गलत चीज़ों को शो करती है ये पिक्चर, है ना. दोज हु वर सपोज टू बी केप्ट इन आइसोलेशन वर सीन स्क्वैशिंग अगेंस्ट द आयरन ग्रिल्स डिस्पाइट डेस्परेट टू फेच द फूड एंड वाटर ऑन द अदर साइड. देखिए, ऐसी घटनाएं, ऐसी सिचुएशंस देश में आकर खड़ी हुई है. कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि जेल में कैद से हो गए हैं. लेकिन उसके अलावा ये भी फैक्ट है कि कई सारी जगहों पर तो ये कंडीशन आ गई है कि उनके पास दो वक्त के खाने की जो है प्रॉब्लम है, खाने को खाना आटा नहीं है उनके पास में खाने को, है ना. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सॉल्व करनी होगी. आप ऑफिशियल्स को बिट्रे नहीं कर सकते. यू हैव टू से ऑफिशियल्स, यू हैव टू गो थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल दीज थिंग्स, है ना.
अब ये कार्य डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है। एक दूसरे को ब्लेम करना कुछ घंटों के लिए जो है, अगर खाने की कुछ घंटों के लिए भी देरी हो जाती है तो आप खुद एक दूसरे को ब्लेम करना, ये सारी चीज़ें बहुत रेस्टलेस चीज़ें हैं, इनका कोई अंत नहीं है। इसलिए हमें और सरकार को, जैसे यूपी में देखा जा रहा है, कंटिन्यूसली केसेस बढ़ रहे हैं, काफ़ी जगह तो ऐसी है जहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, डेथ रेट्स बहुत हाई होती चली जा रही है ना। जबकि बहुत इफेक्टिव और सेंसिटिव स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जा रहा है यूपी की गवर्नमेंट द्वारा। जो योगी जी हैं वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली द थिंग्स दैट हैज़ बीन हैपन, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जो चीज़ें हुई हैं वो बिल्कुल पॉलिटिकली, अगर हम बात करें या ज्योग्राफिकली बात करें, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट की बात, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, है ना, उस स्टेट में, यूपी में। 53 हैव फ्यूअर देन 100 आइसोलेशन बेड्स, 53 ऐसे हैं जिनके पास में 100 आइसोलेशन बेड्स भी नहीं है इवन, ये कंडीशन है। और वहाँ पे 31 एक्टिव केसेस हैं। तो इस तरीके से वेंटिलेटर्स जो अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत कम है, वर्स्ट एरिया में आ जाता है। तो यूपी अपने आप में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और एक कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इसे किसी भी सरकार, किसी भी व्यक्ति द्वारा सुधारा नहीं जा सकता, पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, पिछड़े क्षेत्र को। तो ये ज़रूरी है कि हम इस क्षेत्र में काम करें। जैसे कि आगरा है, आगरा में 372 केसेस है जिसमें से 10 डेथ्स हुई है बाय संडे इवनिंग ओनली। तो ये सारी चीज़ें, टू बी वेरी टू बोल्डली अगर हम बात करें, या ट्रुथ बी टोल्ड, यूपी इज़ डेबिलिटी इज़ नॉट रिसेंट और यूनिक। अच्छा, यूपी की जो ये कंडीशन जो पेंडेमिक के दौरान हमें देखने को मिल रही है, ये अच्छा, जिसमें आगरा जैसी जगह पे जहाँ पे एक ही दिन में 10 मौतें हो जाती हैं, वहाँ को आगरा मॉडल अपनाने की बात की जा रही है। तो ये जो कंडीशन है यूपी की, ये कोई नई नहीं है, इंडिया का हार्टलैंड ज़रूर कह सकते हैं हम, लेकिन बिल्कुल बुरी कंडीशन में बैड गवर्नेंस की हिस्ट्री यहाँ पे रह चुकी है ना। और इसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो बिहार, एमपी, राजस्थान, यूपी, इनका भी काफ़ी हद तक जो है वीक स्टेट कैपेसिटी रही है, तो ये इनके साथ में कैरेक्टर शेयर करते हैं काफ़ी हद तक। सो द ओनली रीजनेबल गोल ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन कुड हैव बीन बाइंग टाइम फॉर श्योरिंग अप द लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये जो क्वारंटाइन का, या ये जो हम कह सकते हैं लॉकडाउन का लंबा पीरियड देखने को मिला है हमें, तो इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें बदला जा सकता है, सरकार द्वारा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, जिन पर कार्य किया जा सकता है। और कई सारी चीज़ें, अगर हम कुछ ही हफ्तों में बहुत सी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स की हॉस्पिटल्स खड़े कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में जब सुधार कार्य कर सकते हैं, तो हम ज़रूर अपने बेसिक जो है ढांचे को भी सुधारने का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और इस लॉकडाउन में कई सारी ऐसी स्टेट्स देखने को मिले हैं जिन्होंने अपने बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है, सॉल्यूशन इस पेंडेमिक के दौरान, ठीक है। तो ये ज़रूरत है, सेंटर को ज़रूरत है कि वो लीड करते हुए जो लीडरशिप के वे में स्टेट्स की कैपेसिटी को स्केल अप करे, स्टेट गवर्नमेंट्स को और स्टेट्स को बूस्ट अप करे इस चीज़ के लिए कि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य करे, और उसके लिए उनको अच्छी तरीके से लीड करे, है ना। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ले लो या और भी कुछ ले लो, और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। और उसके लिए पीएम जी को जो है, या हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो उन्हें इसके बारे में कार्य करना होगा, और पेशेंट्स के अगेंस्ट ये जो स्टिग्मा है उसे डर मिटाना होगा, फियर जो है लोगों के मन में पैंडेमिक को लेकर उसके ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है। कॉशन और पेरेनिया नीड्स टू बी एम्फेसाइज, डिफरेंस जो है कॉशन के बीच में और पेरोनिया के बीच में, हाँ, पेरेनिया के बीच में हमें वो जो है इम्पॉर्टेंटली उसको एम्फेसाइज करना होगा। इंडियाज पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट, द नोशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग हैज़ ओनली एडेड टू द डिजीज स्टिग्मा। तो इंडिया का जो पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट पे अगर बात करें, तो हमारा जो नोशन है वो सोशल डिस्टेंसिंग पर बेस्ड हो गया है ना। ये एक नया जो है हम कह सकते हैं कि एक इस पेंडेमिक के दौरान हमारे बीच, हमारे अंदर एक नया जो कह सकते हैं नॉर्मलसी लाने के लिए एक नई धारा को अपनाया गया है जो आगे तक भी चलेगी, दैट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है।
सो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड फॉर सोशल सॉलिडेरिटी इन द फेस ऑफ द पेंडेमिक मोर देन वंस लास्ट वीक एंड द मैसेज नीड्स टू बी स्प्रेड। देखिए, सरकार ने अपने तरीके से, प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से कई सारी कोशिशें की है कि वो पिछले लॉकडाउन के दौरान कई बार उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे जो स्टेट्स हैं उन्हें लाकर खड़ा करने की कोशिश की है, एकजुट करके पूरे राष्ट्र का निर्माण करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि हम एकजुट हैं और एकजुट होकर कार्य करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो लेना होगा वो राज्य सरकारों को लेना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि हम अपने राज्य का विकास कैसे कर सकते हैं और राज्य के हालातों को कैसे सुधारा जा सकता है इस महामारी के दौर में, है ना। तो ये जो है आर्टिकल, ये इसी पर बेस्ड था। दिस इज़ ऑन कास्टिंग आउट स्टिग्मा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, इंडिया इन द पोस्ट पेंडेमिक पीरियड वर्ल्ड, है ना। तो इस आर्टिकल में सुजाता सिंह जी ने का ये आर्टिकल है, इसमें बताया गया द मैनर इन विच द कंट्री डील्स विद द क्राइसिस विल डिटरमाइन इट्स प्लेस इन द फ्यूचर वर्ल्ड ओवर। आने वाले दौर में, देखिए अब आर्टिकल्स को मैं थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करूँगी, आप मतलब थोड़ा इन शॉर्ट ही एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, तो क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब जो आर्टिकल्स में डिस्कस करूँगी वो ईजिली यू विल गेट इट टू नो, ओके। तो आज का जो आर्टिकल है, इंडिया इन द पोस्ट पेंडेमिक पीरियड, देखिए अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आज की डेट में बड़े से बड़ा इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं जो कंट्री थी, बहुत पावरफुल कंट्री थी, वो सब आज अपने अपने एक ज़ीरो लेवल पर आकर खड़ी हो गई है। सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ में ज़ीरो लेवल पे खड़ी है, मतलब सारी कंट्रीज़ एक ही स्तर पर खड़ी है। उनमें कोई आवश्यक सुधार या बहुत इम्पोर्टेंट कुछ उनका स्टेटस शो नहीं हो रहा है आज की डेट में, सब एक जगह पे खड़ी है ना। तो इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जिसने बहुत ही मैनर्ड वे में, वेल मैनर्ड वे में इस परिस्थिति से निकलने के लिए, परिस्थिति से लड़ने के लिए बहुत अच्छे मॉडल्स को फॉलो किया। इवन इससे हम देशवासी ही नहीं, बाहर के सभी लोग प्रभावित हैं इस चीज़ से, है ना। सो इंडिया की जो कंडीशन, अब ऐसा दौर चल रहा है कि इस दौर में गुजरते ही, इस दौर के गुजरते ही, पेंडेमिक के खत्म होते ही, अगर हम इवेल्यूएट करेंगे इस जंग से ओवर होते ही, वॉर से ओवर होते ही, अगर इन फ्यूचर हम इवेल्यूएट करते हैं तो हम एक ऐसी कंडीशन में आकर खड़े होंगे जहाँ पर सबकी सिचुएशंस चेंज हो गई होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाइना है, हर विपरीत परिस्थिति में भी वो कोशिश कर रहा है कि मैं नेगेटिवली या पॉजिटिवली कैसे भी करके देश को जो है चरम पर लेकर जाऊं। मतलब हम लोग, वो चाह रहा है कि मैं देश को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दूं कि वो अन्य दूसरे देशों के सर्वोपरि माना जाए, है ना। सारे देश हमारे अंडर में आए और सुपर पावर के अंदर तब्दील हो जाए हम लोग। इसी के प्रयासों के साथ में उन्होंने अपनी इकोनॉमीज को बहुत जल्दी ओपन कर दिया है और वुहान क्षेत्र को क्लोज कर रखा है। वहाँ पे जो जो भी मैटर्स बढ़ रहे हैं उनको वहीं पे निपटा दिया गया है। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज जिनके अभी जो है करेंसी डाउन चल रही है, करेंसी वैल्यू लो चली गई है, वहाँ पर जाकर के प्रोडक्ट्स को, और हम कह सकते हैं कि कंपनीज परचेज कर रहे हैं, जैसे कि HDFC को लेकर अभी लास्ट हमें देखने को मिला, है ना। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि हम बहुत जल्दी अपनी इस परिस्थिति से बिल्कुल बाहर आएंगे और हमारी, तब तक हमारी पोजीशन चेंज हो चुकी होगी, है ना। US है जो बहुत पावरफुल नेशन में आता है, लेकिन अब उसकी परिस्थिति चेंज हो गई है, वो भी बिल्कुल अलग सिचुएशन में आकर खड़ा हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है। इसके अलावा द स्क्रिप्ट ऑफ डिसरप्शन, डिसरप्शन एंड अ न्यू ऑर्डर, वही चीज़ इसमें भी एक्सप्लेन की गई है, चाइना या अदर कंट्रीज से रिलेटेड। तो वो उस दौर के अंदर जो है, आने वाले टाइम में किस पोजीशन पर आकर US, चाइना, हम सब सारे कंट्रीज खड़े होंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज़ की ये जो पॉलिसी है अपने सिचुएशन को का फ़ायदा उठाते हुए, विश्व की इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ने की और लोगों को नुकसान पहुंचा के आगे बढ़ने की, तो नहीं पता है कि हमें कि ये कहाँ तक आगे जाएगी, किस हद तक, किस लेवल पे जाके किस तरीके से कार्य करेगी उसकी ये पॉलिसी, और उसके लिए चाइना को कितना बड़ा भुगतान करना होगा ये हम नहीं जानते, है ना। सो जियो फिजिकल पॉलिटिकल वे में ले लो या इकोनॉमिकल वे में ले लो, हर तरीके से सारी देश अभी बहुत ज़्यादा टेंशन
ऐसी चीज़ों को जूझ रहे हैं। उस बीच में फायदे का सौदा करना, फायदा उठाना किसी भी हद तक सही साबित नहीं होता। ये किसी भी देश को अभी एट प्रेजेंट बचाने पर फोकस होना चाहिए, ना कि कमाने या अपने आप के स्टेटस को ऊपर लाने पर। देखते हैं अब इस दौर के गुजर जाने के बाद में भारत की क्या स्थिति होती है, या अन्य देशों की क्या स्थिति होगी और किस सिचुएशन पर आकर खड़े होंगे, है ना। एक आर्टिकल है लैकिंग इन ट्रांसपेरेंसी, ये जो है सुव्रत राजू द्वारा लिखा गया है। सिटीजन्स मस्ट कीप देमसेल्फ इन्फॉर्म्ड एंड द पुश द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट साइंटिफिक एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज। अब देखिए, ऐसा दौर गुजर रहा है जिसमें सरकार अपना अपना कार्य कर रही है, लेकिन हम कई चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। हमारी ज़रूरत है कि हम अलर्ट हो जाएं, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएं और सरकार को ये रियलाइज़ करवाएं कि आपको जो डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो स्कीम से रिलेटेड है, चाहे वो हम लोगों से रिलेटेड है, पीपल ओरिएंटेड है, आपको वो ऑर्डर्स, वो स्कीम्स जो है फॉलो करनी होगी, बनानी होगी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना। तो ऐसा लगता है एडिटर को कि भई यहाँ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी चल रहा है, अभी भी हम में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो जिस तरह की पोजीशन में हम गुजर रहे हैं, हमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है और उस दौर को, उस ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारी ज़रूरत है कि हम उस क्षेत्र में कार्य करें जहाँ से हमें हर तरीके से पॉजिटिव साइंस देखने को मिले। क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में कार्य करवाना सरकार से और करना ज़रूरी है जहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल या साइंटिफिक वे में किसी भी तरीके से सुधार किया जा सके, है ना। और ऐसी पॉलिसीज़ का निर्माण करना ज़रूरी है सरकार द्वारा जो हमारे लिए साइंटिफिक पॉलिसीज़ हो और लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई हो, ना कि सरकार या सरकार के बजट को ध्यान में रखते हुए या स्टेट गवर्नमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास में पर्सनली क्वेरी आई थी कि मैम एडिटोरियल इज़ गोइंग गुड बट स्टिल वी वांट कोविड-19 पर हमें जो है फिजिकल मैप, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल पूरा मैप चाहिए, कोविड-19 के इफ़ेक्ट्स ऑन इकोनॉमिकल एरियाज़ एंड स्पेशली जियोग्राफिकल भी चाहिए। तो कोविड-19 पर बेस्ड जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, या जियोग्राफिकल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जो है कोविड-19 से रिलेटेड, उसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक पूछा है आपने, थैंक यू सो मच जिसने भी मुझसे ये क्वेरी पुटअप की है। मैं डेफिनेटली, ये डिमांड जो आपने रखी है बिल्कुल बिल्कुल सही है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको पूरे विश्व की आर्थिक और भौगोलिक परिस्थिति से अवगत करवा सकूं और कोविड-19 से रिलेटेड ये जो पूरा सिनेरियो है, इस सिनेरियो को आपके सामने स्पष्ट रूप से रख सकूं। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच टू ऑल टू बीइंग विथ मी। अगर आपको एडिटोरियल सेशन पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए सब्सक्राइब, ये इन तीनों के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैनल को ही फ़ायदा होता है, ऐसा है कि इन चीज़ों के आपको भी फ़ायदे हो रहे हैं। पहला तो आपको खुद को नॉलेज मिल रहा है, फिर आप शेयर करेंगे तो उन लोगों को नॉलेज मिलेगा जिनके लिए कंपलसरी है, जिनको नीड है, जो इंग्लिश में इजीली एडिटोरियल को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, तो उनको फ़ायदा मिलेगा इंटरप्रिटेट करने में, ठीक है। इसके अलावा जो लोग सब्सक्राइब कर देंगे उन्हें ये फ़ायदा मिलेगा कि डेली बेसिस पर मैं द हिंदू का एडिटोरियल सेशन आपसे डिस्कस करती हूँ, है ना। तो आपको डेली बेसिस पर ये एनालिसिस मिल जाएगा। मॉर्निंग में जल्दी मैं कोशिश रहती है मेरी कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, तो आपको मॉर्निंग जल्दी ही एनालिसिस मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि मैं मोटिवेट, अच्छा उसमें भी आप ही को फ़ायदा है क्योंकि अगर मैं मोटिवेट हो जाती हूँ तो मैं और भी एनर्जेटिक वे में या और भी स्पेसिफिक वे में आपको पढ़ा पाऊँगी और भी जो है स्पेशल इफ़ेक्ट के साथ में आपको पढ़ा पाऊँगी, जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए और हम कम टाइम में पूरा पेपर अच्छे से कवर कर सकें, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर सकें, है ना। और कमेंट करने से भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे कि एक मोटिवेशन बूस्टअप होता है और मुझे पता चलता है कि मुझे और किन चीज़ों पर कार्य करना है न्यूज़ एनालिसिस में, तो मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ, है ना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। दिस वॉज आयुषी जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आईएएस। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे एट होम एंड बी सेफ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।